साल 2018 की एक शाम थी। रेसलिंग के भारतीय प्रशंसकों ने टीवी खोला और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि WWE देखना शुरू कर दिया। सोचा विदेशी रेसलरों के इस खेल का कुछ देर आनंद लिया जाए। तभी तेज रोशनियों के बीच एंट्री होती है एक भारतीय वीर महान की। आकर्षक कदकाठी वाले इस व्यक्ति के सामने विदेशी रेसलर आते ही ताल ठोकता है। मुश्किल से कुछ सेकंड का ही खेल हुआ होगा और उस विदेशी खिलाड़ी की गर्दन वीर महान के हाथों में होती है। इधर देश में टीवी के सामने शुरू हो जाती है तालियों की गड़गड़ाहट। 6 फीट 4 इंच की ऊंचाई और 125 किलो वजन वाले 33 वर्षीय वीर महान का असली नाम रिंकू सिंह राजपूत है और वह उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के होलपुर गांव के रहने वाले हैं। रेसलिंग में डेब्यू के साथ उन्होंने विदेशी पहलवानों की ऐसी धुलाई की कि भारतीयों के साथ विदेशी भी इनके प्रशंसक हो गए। रिंकू सिंह के पिता ब्रह्मदेव सिंह ट्रक चलाते थे। वह बताते हैं, मेरे गाँव के कुछ लोग भाला फेंकते थे और मैं उनके द्वारा फेंके गए भाले को वापस लाता था। धीरे धीरे उन्हीं लोगों के भाले से मैंने भी अभ्यास शुरू किया। कुछ दिन बाद मैं उनसे बेहतर करने लगा तो वे भाला देने से मना करने लगे। चार भाइयों में सबसे छोटे रिंकू बताते हैं कि मेरे पास भाला खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर मैंने ट्रक से निकली एक पुरानी रॉड को पिघलाकर उसे बांस में डाला और 5 किलो का भाला तैयार कर लिया और उसी से अभ्यास करने लगा। वीर को भाला फेंक में जूनियर नेशनल में पदक भी मिला है। 2008 में रिंकू ने द मिलियन डॉलर आर्म नाम के भारतीय रियलिटी टीवी शो में भी हिस्सा लिया। ये बेसबॉल का एक टैलेंट हंट शो था। इसमें रिंकू सिंह को अपने भाला फेंकने के अनुभव का फायदा मिला। रिंकू सिंह ने इससे पहले कभी बेसबॉल नहीं खेला था, लेकिन अपने मजबूत शरीर और रफ्तार के कारण उन्होंने टैलेंट शो जीत लिया। फिर क्या था, बेसबॉल में करियर बनाने के लिए वीर अमेरिका चले गए। उन्होंने 2009 से लेकर 2016 तक दुनिया भर के कई लीग में हिस्सा लिया। रिंकू कहते हैं कि 2018 में बेसबॉल को छोड़कर रेसलिंग की तरफ ध्यान देना शुरू किया। 2018 में ही WWE से जुड़ गया। शुरुआती दौर में रिंकू नाम से ही WWE में चर्चित था। इसके बाद एक टीम बनाई और लगातार कई मुकाबले जीते। 2021 में कुछ कारणों से टीम से अलग हो गया, फिर WWE के साथ जुड़ा। इस बार अपना नाम वीर महान रखा। WWE के शो में वीर महान असल भारतीय स्टाइल में दिखाई देते हैं। उनके भुजाओं तक आने वाले बाल, काली आंखें, लंबी दाढ़ी और माथे पर लगे चंदन के साथ उनका व्यक्तित्व और भी भव्य दिखता है। इनके लुक की सबसे खास बात यह है कि माथे पर लगा पारंपरिक चंदन। वीर महान के सीने पर बड़े अक्षरों में माँ लिखा है, जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। वह गले में रुद्राक्ष की माला और काले कपड़े पहनते हैं। वह कहते हैं, मेरा सपना था कि मैं अपने माँ बाबूजी को एक घर बनवा कर दूं। द मिलियन डॉलर आर्म में जीत दर्ज करने के बाद ये सपना पूरा हुआ। दिग्गज मिस्टीरियो को 119 सेकंड में पस्त किया। वीर महान ने पिछले 3 हफ्तों में 3 रेसलरों को बुरी तरह से हराया। उन्होंने रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो को 119 सेकंड, जेफ ब्रुक्स को 110 सेकंड और सैम समोथर्स को सिर्फ 36 सेकंड में ही ढेर कर दिया।